साथियों, बीते 5 वर्ष हम आवश्यकताओं को पूरा करने की तरफ बढ़े, अब हमें आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ना है। बीते 5 वर्ष में भारत आत्मविश्वास से भरा, अब विकसित भारत की तरफ कदम बढ़ाने हैं। बीते 5 वर्ष में हमने सरदार साहब के एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को बुलंदी दी, अब उसको मजबूती देनी है। लेकिन साथियों, आपको इन प्रयासों के बीच सावधान भी रहना है, सतर्क भी रहना है। कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान तो हमेशा किया, मणि बहन का भी वही हाल किया। अब सरदार साहब के संस्कारों को भी, उनके विचारों को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, ये परिवार उसको भी रौंदने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस मैनिफेस्टो सिवाय ढकोसला पत्र कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली घोषित किया है कि कांग्रेस राष्ट्रद्रोह का कानून हटाना चाहती है, ताकि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज मजबूत हो और देश के और भागों में नक्सलवादी मजबूत हो, टुकड़े टुकड़े गैंग देश के टुकड़े करने की अपनी शरारतें खुलेआम हिम्मत से कर पाए। ये कांग्रेस ने विधिवत रूप से आज देश के सामने कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण के लिए जीवन लगा दिया। कांग्रेस अलगाववादियों के उन्हें गले लगाने के लिए बेचैन बन गई है। कांग्रेस ने जिस कश्मीर समस्या को पैदा किया, आज उसी जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वालों के साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, कश्मीर में कांग्रेस के साथी दल का एक कैंडिडेट बोल रहा है, और भाइयों बहनों, मीडिया ने चीज को थोड़ी देर चलाया, बाद में बंद कर दिया। वो कह रहा है, अगर कोई पाकिस्तान को गाली देगा तो मैं उससे ज्यादा गाली भारत को दूंगा। ये कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, क्या ऐसे लोगों को वोट देने की गलती आनंद कर सकता है, छोटा उदयपुर कर सकता है, खेड़ा कर सकता है, इस क्षेत्र का, गुजरात का एक भी नागरिक कर सकता है? इसलिए आज जब भी मैं कहता हूं कि अगर सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति अलग होती। और जब मैं ये बोलता हूं तो ये बात सुनकर नामदार और उनके राग दरबारियों में खलबली मच जाती है। मत भूलिए, कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर सरदार साहब का अपमान किया। जब आपके इस सेवक ने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संकल्प पूरा किया, तब भी कांग्रेस ने
और उनके पूरे राग दरबारियों ने इस बात को भी अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा।